नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। एएनएम जेएनएम नर्सिंग भर्ती 2018 को लेकर पहले आपको मिली खुशियाँ, अब विवादों में उलझी है भर्ती। लगातार अपडेट आ रहे हैं दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया की जो पदस्थापन की जो सूची जारी की गई है उसको लेकर के अभ्यर्थी है जो हाईकोर्ट की शरण ले रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं पूरी जानकारी क्या है। ये देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है फर्स्ट इंडिया न्यूज का ट्वीट किया गया है। जयपुर से बड़ी अपडेट है, नर्स और एएनएम और नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2018 फिर विवादों में। अन्य जिलों में पदस्थापन वाली सूची को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। आप देख सकते हो दोस्तों, सरिता बाई व अन्य ने हाईकोर्ट एकलपीठ में दायर की याचिका। मामले की हाईकोर्ट कोर्ट एकलपीठ में जल्द होगी सुनवाई, याचिकाकर्ता। तो दोस्तों आप देख सकते हो, नर्स ग्रेड टू की कल ही आपको खुशियाँ मिली थी, कल ही जो पदस्थापन जो सूची है वो जारी हुई थी और फिर ये सूची विवादों में उलझी है। क्या है इसका रीज़न, आप देख सकते हो दोस्तों, जो कम मार्क्स वाले अभ्यर्थी है उनको गृह जिला दिया गया है और अधिक मार्क्स वाले जो अभ्यर्थी है, मेरिट में शामिल थे अभ्यर्थी, उनको बाहरी जिला दिया गया है। और जिन अभ्यर्थियों ने दोस्तों पदस्थापन जो ऑनलाइन जो चॉइस की जो प्रक्रिया में फॉर्म भरवाया गया था उसमें उस जिले का नाम तक नहीं लिखा, फिर भी उसको वह जिला मिला है। दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों विभाग आगे क्या कार्रवाई करता है और कोर्ट क्या फैसला निकाल के देता है। तो इसको देख दोस्तों देख सकते हो आप, 31/7/2021 आज का अपडेट है। जयपुर से है, एएनएम और नर्स ग्रेड सेकेंड भर्ती 2018 फिर विवादों में। अन्य जिलों में पदस्थापन वाली सूची को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। सरिता बाई व अन्य ने हाईकोर्ट एकलपीठ में दायर की याचिका। मामले की हाईकोर्ट एकलपीठ में जल्द होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया, एएनएम नर्स ग्रेड सेकंड को दूसरे जिले में पुनः पदस्थापित कर रहे याचिका को 15 अक्टूबर 2020 के आदेश के तहत एएनएम के पद पर किया था नियुक्त। दोस्तों इसमें बताया गया है 15 अक्टूबर 2020 के आदेश के तहत एएनएम के जो पद पर किया गया था नियुक्ति, याचिका की मेरिट अधिक है फिर भी सिरोही जिले में दोबारा से पदस्थापित किया गया, जो कि गलत है। जबकि सूची में जो कम मार्क्स वाले जो वरीयता वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको गृह जिले में ही रखा गया, जो भी गलत है। सवाई माधोपुर से सिरोही में बदली हुई मेरिट सूची 30 जुलाई 2021 के आदेश के तहत बदल दिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी कर रहे मामले की पैरवी। दोस्तों एडवोकेट राम प्रताप जी सैनी इस जो मामले की जो सुनवाई है वो कर रहे हैं और इसके अंतर्गत पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2018 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को विकल्प पत्र के आधार पर पदस्थापित नहीं करने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेरिट व जिला चॉइस के आधार पर नहीं किया गया पदस्थापित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता डूंगरपुर से पुष्पा देवी व अन्य द्वारा अधिवक्ता कोमलगिरी के जरिए दायर की गई है। दोस्तों ये एक और याचिका दायर की गई है कोर्ट के अंतर्गत। याचिकाकर्ता अधिवक्ता कोमलगिरी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को कोविड-19 के चलते पदस्थापित किया गया था। कुछ दिनों पूर्व ही सभी अभ्यर्थियों को मूल पदस्थापन के लिए ऑनलाइन विकल्प पत्र भरवाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी चयनित अभ्यर्थियों के नवीन पदस्थापित आदेश जारी किए गए हैं। पिछले एक वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों को गलत पदस्थापित किया गया है। याचिकाकर्ता को विकल्प पत्र व मेरिट अनुसार पदस्थापित नहीं किया गया है। कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को क्या नज़दीकी जिला आवंटन किया गया, जबकि मेरिट में उच्च स्थान के बावजूद चित्तौड़गढ़ उदयपुर जिला आवंटित किए गए। पदस्थापन में त्रुटियां रखी गई है। मामले को लेकर हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाएं लगाई गई है। संभवतः अगले हफ्ते याचिकाकर्ताओं को नवीन पदस्थापित जिला आवंटन पर रोक लगवा कर री आवंटन करवाए के आदेश करवाए जा सकेंगे। एडवोकेट कोमलगिरी मोबाइल नंबर आप देख सकते हो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये विभाग का काम है, विभाग अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये गलत हुआ है। जो अधिक मार्क्स वाले जो अभ्यर्थी है जो मेरिट में शामिल है तो उनको गृह जिला देना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों में ऑनलाइन चॉइस में जो जिला भरा ही नहीं फिर भी उसको वो जिला दिया गया,
तो ये गलत है दोस्तों। तो इसको लेकर के अभ्यर्थी नाखुश है और उन्होंने कोर्ट की शरण ली है। अब दोस्तों अगले हफ्ते इसकी सुनवाई होगी, क्या फैसला निकल करके आता है दोस्तों वो हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपका कुछ भी कमेंट्स हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम कमेंट्स का रिप्लाई जरूर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।